हेलो वाइज कैसे हैं आप सभी आई होप यू ऑल गाइज आर वेल ओके सो सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स ताकि बाकी सभी ज्वाइन कर सकें और सेशन का बेनिफिट ले सकें ओके okay? सो so, हम स्टार्ट करेंगे सेशन ओके सो तुरंत ही हम स्टार्ट करने वाले तब तक तो जितना हो सके ऐसे शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स ओके चलिए सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन ओके सो वी हैव अ क्वेश्चन ओके इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे ओके सो क्वेश्चन क्या इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन ओके इन बोल्ड फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड ओके एंड वन ऑफ दीज वर्ड्स गिवन इन बोल्ड मे बी रॉन्गली स्पेल्ड ओके और वी कैन से इन अप्रोव पीरियड ओके इन द कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट दैट वर्ड ओके एंड इफ ऑल द वर्ड्स आर करेक्ट चूज ऑल करेक्ट एज आंसर सारे के सारे करेक्ट है तो भाई आपको क्या करना है ऑल करेक्ट चूज करना है अगर कोई भी आपको वर्ड रॉन्गली स्पेल लगता है तो वो आपको क्या कर देना मार्क कर देना है ओके स्टेटमेंट है आपका ही हैड ऑर्केस्ट्रेटेड अ ग्रैंड शो फॉर द अनवीलिंग ऑफ द थीम पार्क ओके तो चार वर्ड्स हैं यहां पे और इन चार वर्ड्स में आपको बताना है अगर ये चारों सही हैं तो ऑल करेक्ट चूज करो अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको आपको गलत लग रहा है तो क्या करो वो वर्ड आप लोग मार्क करो अपना आंसर और कमेंट करो चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग ऑर्केस्ट्रेटेड ग्रैंड ऑनविलिंग और आपका थीम या फिर ऑल करेक्ट क्या हो जाएगा वट शुड बी द आंसर ओके okay, सो so पे आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो आपका पहला वर्ड है आपका ही हैड ऑर्केस्ट्रेटेड ठीक है तो ये आपका क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है हैड हेल्पिंग वर्ब ले रखा है जब भी हम हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं बेसिकली टू ऑर्केस्ट्रेट आपका क्या होता है वर्ब होता है ये ऑर्केस्ट्रेटेड उसका थर्ड फॉर्म है टू ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है आपका टू प्लान टू प्लान समथिंग केयरफुली ठीक है कोई चीज आप प्लानिंग कर रहे हैं और केयरफुल तरीके से कर रहे हैं तो दैट इज टू ऑर्केस्ट्रेट ओके अ ग्रैंड शो ग्रैंड भी बिल्कुल करेक्ट है ओके okay, बहुत बड़ा ओके शो फॉर द अनवीलिंग अनवीलिंग क्या होता है अनवील टू अनवील मतलब होता है आपका टू uh, अनवील मतलब होता है वी कैन से टू ओपन और वी कैन से ब्रिंग आउट समथिंग टू शो ओके टू द पब्लिक ठीक है Uh, मतलब कोई चीज नया लेके आना ओके okay? uh, दिखाने के लिए किसको पब्लिक को तो दैट इज अनवीलिंग ओके ये भी बिल्कुल करेक्ट है ओके एंड थीम भी बिल्कुल करेक्ट है एज एन एजेक्टिव यूज हुआ है पार्क नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ओके सो यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है ओके सो एवरीथिंग इज करेक्ट सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए Uh, let's move to the next one that is question number two in the following questions four words are given uh, four words are given uh, in bold okay one of these words given in bold may be wrongly spelled okay or inappropriate okay uh, in the context find out that word okay uh, if all the words are correct uh, choose all correct as your answer होल सिटी हैड टू कम द होल सिटी ड्यू टू दर्स्ट विद ऑल द स्ट्रीट फ्लडेड ओके चलिए आंसर करिए सभी लोग क्या होना चाहिए इसका आंसर ए होल होगा स्टैंड स्टिल होगा वर्स्ट होगा या फिर आपका डाइवर्स होगा अगर सारे के सारे वर्ड सही है तो ऑल करेक्ट लिखो और अगर कोई भी वर्ड आपको रॉन्ग लग रहा है तो क्या चूज करो मतलब वर्ड चूज़ करो फिर ए बी सी डी ऑप्शन है चलो क्या हो जाएगा कमेंट करना सभी कौन आंसर सो द होल सिटी होल मतलब आपका कंप्लीट ओके ओके तो होल मतलब कंप्लीट होता है स्टैंड स्टिल भी बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं बेसिकली यहां पे जो एरर है वर्स्ट भी सही है ओके okay, जो एरर है यहाँ पे वो है आपका डाइवर्स में डाइवर्स okay? आपका क्या हो जाता है गलत मीनिंग यहाँ पे दे रहा है ओके okay? तो डाइवर्स हमें यहाँ पे नहीं यूज करना के okay? डाइवर्स मतलब होता है मेक समथिंग नोन डाइवर्स का जो मतलब होता है वो होता है आपका मेक समथिंग नोन मेक समथिंग नोन और ये मीनिंग हमें यहाँ पे नहीं देना है ओके बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ी कि द वर्स डाइवर्स ओके क्योंकि यहाँ पे जो डाइवर्स है वो आपका नाउन है ओके okay? लेकिन जो डाइवर्स होता है ना मतलब डाइव यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे नाउन होना चाहिए बट जो डाइवर्स होता है ना ये वर्ब होता है टू डाइवर्स मतलब होता है मेक समथिंग नोन ये गलत है यहाँ पे हमें नाउन चाहिए जो नाउन होगा वो होगा आपका डेल्यू मैं लिख देता है यहाँ पे डी ई एलियू जी ठीक है डेल्यूग डेल्यूग आपका करेक्ट आंसर होगा डेल्यूग मतलब होता है आपका सेवर फ्लू सेवर फ्लड्स सेवर फ्लड्स क्लियर है और वहीं पे हम बात कर रहे हैं ठीक है फ्लड की हम बात कर रहे हैं यहां पे तो सेवर फ्लड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डेल्यूज होना चाहिए इन प्लेस ऑफ डाइवोल्स ओके तो ये आपका गलत था ओके सो एरर वाज इन फोर्थ पार्ट यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ओके वी हैव अ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बेसिकली रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज एनी एरर इन इट और नॉट एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ऑप्शन नंबर फाइव इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी अगर पंक्चुएशन का एरर है तो उसे इग्नोर करो और ग्रामीटिकल एरर है तो उसे बताओ ओके स्टेटमेंट है द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पोल ओके चलिए आंसर करेंगे सभी लोग कॉमेंट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे एंड जो भी नया है सेशन में वो क्या करेगा व्हाट्सएप ग्रुप सॉरी ग्रुप्स आपकी ज्वाइन कर लेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होंगे ठीक है सोशल मीडिया ग्रुप्स के जो भी ग्रुप्स होंगे टेलीग्राम वगैरह सारे ज्वाइन कर लो ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है आई थिंक ओके और इसको चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो रेड आइकन रेड बटन आ रहा होगा वहीं पे ओके okay? और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो उसके बगल में होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सेशन का रेगुलर चलिए तो क्या हो जाएगा रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस ओके तो यहाँ पे जो बेसिकली टू इलिसिट है ना टू आपका क्या है प्रपोजिशन हो गया इलिसिट आपका क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए क्योंकि ये जो यूनिट है ना टू प्लस वी वन ये जो यूनिट बनाएगा ये बनाएगा इन्फिनेटिव की ठीक है ये इन्फिनेटिव की यूनिट बनाएगा वो होती है टू प्लस वी वन तो यहाँ पे जो आपका इलिसिट है ना वो गलत है इलिसिट आपका क्या होता है एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है इलीगल इलिसिट का क्या मतलब होता है आपका इलीगल इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इलीगल जो कि आपका यहाँ पे रॉन्ग है इलिसिट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आपका वर्व चाहिए ओके तो यहाँ पे एलिसिट होगा ई एल आई सी आई टी क्या कहते हैं ई एल आई सी आई टी तो इसको ये गलत हो गया इसकी जगह पे होना चाहिए था एलिसिट ई एल आई सी आई टी ठीक है एलिसिट का मतलब क्या होता है एलिसिट का मतलब होता है आपका ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन ये होता है इसका मतलब ओके okay? ये सही हो जाएगा तो इट शुड भी आपका एलिसिट इन प्लेस ऑफ एलिसिट तो इंफॉर्मेशन uh, आपका क्या हो जाएगा To elicit, जो info, आपका इन्फिनेटिव है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ओके सो थर्ड इज द आंसर ओके इस पार्ट में एरर था चलिए और नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे सभी लोग एक बार डायरेक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे इन द क्वेश्चन बिलो आ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड एक पार्ट आपका अंडरलाइंड है कोई दिक्कत नहीं है बिलो आर गिवन टू द गिटिव पार्ट विच मे इम्प्रूव चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज नो इम्प्रूवमेंट कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? स्टेटमेंट है आपका फिनिशिंग uh, uh, आपका क्या है फिनिशिंग आपका क्या है uh, वो है अंडरलाइन पार्ट है ओके okay? सिर्फ फिनिशिंग है हिज वर्क ही वेंट फॉर अ मूवी चलिए आंसर करिए सभी लोग कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या होना चाहिए आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग एंड जितना हो सके सेशन को शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स ताकि सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर सकें और इस क्लास का अच्छे से बेनिफिट ले सकें क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर कमेंट करें फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट फॉर अ मूवी क्या हो जाएगा so जो है वो आपका क्या है टेंस के यूज में ओके सो बेसिकली पे हमने यूज कर रखा है आपका फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट फॉर अ मूवी ओके तो जो आपका करेक्ट फॉर्म होगा ना वो होगा आपका हैविंग फिनिश्ड ओके फिनिशिंग जो है ना ये आपका क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये जो आपका फिनिशिंग हिज वर्क है ना ये आपका क्या है पार्टिसिपल फ्रेज है और इस पार्टिसिपल फ्रेज का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो आपका ही है ओके तो ही आपका इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है बिल्कुल सही है ही ने काम ख़त्म किया और क्या करा ही चले गया भाई मूवी के लिए ओके तो ये बिल्कुल सही है बट यहाँ पे जो फिनिशिंग है ना वो आपका क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे जो आपका मूवी के लिए जाना है ना ये देखो वेंट मतलब पास्ट का एक्शन है पास का एक्शन है और मैंने क्या बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हम यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो तो गलत हो गया तो यहां पे हमें यूज़ करना परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब uh, तो और वो होता है आपका है आपका द क्रिएटिव चैनल थैंक यू ओके सो क्या हो जाएगा आपका हैविंग मूवी क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन है क्वेश्चन का आंसर करें इन क्वेश्चन बिलो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच इंप्रूव द सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज नो इम्प्रूवमेंट ओके सो स्टेटमेंट आपका माई नेवर इज फाइव इयर्स एल्डर टू मी एल्डर टू को हमें क्या करना है ये अंडरलाइन पार्ट है अगर इसमें इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है तो मार्क करो नहीं लग रहा है इंप्रूवमेंट तो क्या करो नो इंप्रूवमेंट मार्क करो चलो सभी लोग आंसर करेंगे फॉर क्वेश्चन फटाफट से आंसर कर दो भाई क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करें सभी comment your answers for question number 5 क्या हो जाएगा एनी वन सो एल्डर टू हमने यहाँ पे क्या है ठीक है तो माई नेबर इज फाइव ईयर्स एल्डर टू मी तो हम यहाँ पे भाई नेबर की हम बात कर रहे हैं ओके okay? एल्डर तभी हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशंस की ओके ब्लड रिलेशंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम एल्डर यूज़ करते हैं बट हम पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो पड़ोसी हमारा ब्लड रिलेशन में नहीं आया ठीक है तो जब भी हम ब्लड रिलेशन से हट के किसी और की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एल्डर यूज़ नहीं करते एल्डर सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है ओके ब्लड रिलेशन के लिए हम यूज करते हैं ठीक है बट यहाँ पे आपका माइ नेबर है तो हम किसी और की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये ब्लड रिलेशन में नहीं आया तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओल्डर क्या यूज करेंगे ओल्डर यूज करेंगे फॉर अदर देन ब्लड रिलेशन ओके और ओल्डर हम यूज करेंगे तो आपका कंपेरेटिव डिग्री का क्या है एजेक्टिव है और अगर कंपेरिटिव डिग्री का एजेक्टिव हम स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं इट इटमीन्स वहाँ कंपेरिजन हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है तो इसके साथ जो हमें कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा आपका then. तो क्या हो जाएगा? आपका ओल्डर इन प्लेस ऑफ एल्डर टू तो स्टेटमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा माई नेवर इज फाइव इन ओल्डर देन मी क्लियर है हो गया होगा. सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए आंसर्स कमेंट करिए चले क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड ओके बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड पार्ट व्हिच में इंप्रूव द सेंटेंस ओके चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज नो इंप्रूवमेंट चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स डू नॉट जज वेदर अ मैन इज सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल अनटिल ही लाइज इन हिज ग्रेव चलिए आंसर करें सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर सिक्स इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है तो एबीसीडी मार्क करो नहीं है तो भाई ई e मार्क कर दो सिंपल है ओके चलिए आंसर करें क्वेश्चन नंबर सिक्स कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या हो जाएगा डू नोट जज वेदर अ मैन इज सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल अंटिल ही लाइज इन हिज ग्रेफ वट शुड बी द आंसर ओके सो हेयर वी आर यूजिंग अ कंजंक्शन ओके वेदर ठीक है वेदर हम यूज कर रहे हैं ठीक है तो वेदर के साथ जो आपका कंजंक्शन यूज होता है वो आपका एंड यूज नहीं होता हम और यूज करते हैं क्या यूज करते हैं और तो वेदर के साथ जो आपका कंजंक्शन का पेयर यूज होता है वो और यूज होता है तो इट शुड बी डोंट जज वेदर अ मैन इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ओके अनटिल ही लाइज इन हिज ग्रेव ओके तो

क्लियर है चलिए आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेवन क्या हो जाएगा ओके okay, सो so यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखो वी वर वी वर रिलेव टू हियर दैट द गर्ल द गर्ल हैड रीज्ड होम ओके सो यहाँ पे सेफ्टी हमने लिख रखा है तो सेफ्टी आपका नाउन है ओके okay, तो हमें बताना है कि जो लड़की है ठीक है हमें रिलीफ मिल गया यस सुन कि जो लड़की है वो सही सलामत घर पहुंच गई ओके okay? तो यहाँ पे हम सेफ्टी यूज नहीं करेंगे ठीक है जो आपका यूसेज नाउन का वो गलत है ठीक है वी नीड टू बी रिप्लेस्ड विद द एजेक्टिव सेफ टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इट शुड बी ही रीज होम सेफ अच्छा एक ही में ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर एट का इन द क्वेश्चंस बिलो अ पार्ट ऑफ देंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द गिटरलाइन पार्ट विच में इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज नो इंप्रूवमेंट ओके चलो तो क्या हो जाएगा आपका ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर बैक डेटेड एंड डू नॉट सपोर्ट वुमेन एजुकेशन एंड सो ही स्ट्राइप हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन ओके सो वी हैव फोर ऑप्शन और अगर आपको लग रहा है कि इनमें गलती है तो चार ऑप्शन में से कोई चूज करो लग रहा है कि स्टेटमेंट सही है तो क्या करना है सभी को पता है पांचवा मार्क कर देना है चलिए कॉमेंट की ओर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट सभी लोग आंसर करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे सभी ओके okay. क्या हो जाएगा सो ऑल इज फैमिली मेंबर्स तो यहां पे जो आपका फैमिली है ना ये आपका टोटल होता है फैमिली जो होता होता है है ये आपका टोटल ओके okay? और जो मेंबर्स होता है ना ये आपका पार्ट होता है तो कभी भी हमें टोटल और पार्ट को रिलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं ऑफ प्रपोजिशन का हेल्प लेते हैं ठीक है ऑफ प्रपोजिशन का हेल्प लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑल इज फैमिली मेंबर्स को हम क्या लिख देंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ हिस्स फैमिली ओके तो ये आपका सीम है ओके सो सी विल बी द करेक्ट आंसर कभी भी टोटल और पार्ट को हमें रिलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे ऑफ प्रपोज का हेल्प लेते हैं तो क्या हो जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ हिस फैमिली ओके सो बाय दिस वे वी विल मेक द सेंटेंस करेक्ट सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर नाइन सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर नाइन का इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अंडरलाइन बिलो आर गिटिव चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इमुवेंट इज नीडेड चूज नो इमेंट ओके स्टेटमेंट आपका स्पीच ऑफ टेन मिनट्स ऑन द नीड टू सपोर्ट द एलिवेट द स्टेटस ऑफन क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करेंगे सभी लोग चलिए प्लीज मार्क योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर बनाइन अच्छा कमेंट करो मार्क तो नहीं कर सकते बिकॉज देर इज नो पोल ओके यू कैन कमेंट इट फटाफट से कमेंट करो आंसर क्वेश्चन नंबर बनाइन तो मिनट okay? तो की जो स्पीच होगी वो कल ली होगी बिकॉज हम उसकी स्पीच को ब्यूटीफुल बता रहे हैं इसका मतलब उसकी स्पीच अच्छी थी तो वो दे चुका है स्पीच तो दे चुका है मतलब पास्ट तो इट शुड बी ही मेड मेक्स नहीं आगा ही मेड अ स्पीच ओके ए विल भी द करेक्ट आंसर बहुत सिंपल होता है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए ओके चलिए क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर करेंगे इन द क्वेश्चन बिलो आर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड ओके बिलो आर गिवन अल्टर टू दंडरलाइन पार्ट ओके विच मे इम्प्रूव देंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इनकेस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड ओके चूज नो इम्प्रूवमेंट ओके सो स्टेटमेंट है आपका हैड यू गॉन टू कोलकाता आई हैड ऑल्सो गोन देअ चलो आंसर करो भाई इसका फटाफट से क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर करना सभी को व्हाट शुड बी द आंसर एंड डू लाइक द सेशन जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है सभी लोग फटाफट सेशन से 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 को लाइक कर दो और जितना हो सके इसे शेयर कर दो विद ताकि सभी लोग क्या कर सके सेशन से का बेनिफिट ले सके लाइक एंड शेयर जरूर करना सभी को ओके okay? डो लाइक एंड शेयर द सेशन विद ये सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें अच्छे से क्या हो जाएगा हैड यू गॉन टू कोलकाता आई हैड ऑल्सो गॉन देअर ओके सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हैड यू गॉन है तो ये आपका क्या है uh, बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये आपका हेड यू गॉन है ना ये आपका हेड मतलब परफेक्ट हो गया तो परफेक्ट का स्टेटमेंट है तो ये आपका कंडीशनल टाइप थर्ड हो जाता है कंडीशनल टाइप थर्ड ओके कंडीशनल टाइप थर्ड हो जाता है ठीक है ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका आई हैड ऑल्सो गॉन देर ओके तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये कंडीशनल टाइप थर्ड है ओके okay? तो यहाँ पे आपका वुड है वी थ्री होना चाहिए ओके okay? क्योंकि अगर कंडीशन आपका पास परफेक्ट में होता है तो रिजल्ट आपका वुड है ठीक है तो इट शुड बी वुड हैव आल्सो गॉन तो आपको आइडेंटिफाई करना है वुड हैव आल्सो गॉन का है ये लिखा हुआ है ओके okay? सो तो इसका मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर बहुत सिंपल होता है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन का सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से कमेंट कॉमेंट करें फोर्टी फाइव सभी के पास कॉमेंट आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन शी वेंट आउटसाइड एंड कॉल्ड हिम इन हिज सेल फोन ओके सो क्या हो जाएगा आपका इसका कॉमेडी योर आंसर शी वेंट आउट साइड एंड कॉल्ड हिम इन हिज सेल फोन ओके सो कॉल्ड हिम इन नहीं होगा इट शुड बी ऑन हिज सेल फोन ओके कॉल्ड ऑन होता है ओके okay? ना कि इन तो जो आपका फ्रेज होता है वो ऑन यूज करेंगे ना कि इन ओके okay? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सो ए विल बी द करेक्ट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर करेंगे सभी लोग कॉमेंट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फटाफट से कॉमेंट कर दो वट शुड बी द आंसर सो द विजिटिंग टीम विल डेफिनेटली विन द गेम द होम टीम परफॉर्म्स मेरे मेरे ठीक है मेरे बनाइए ठीक है मरेकुल इसको एक साथ पढ़ लो मेरे ओके okay? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर द विजिटिंग टीम विल डेफिनेटली विन द गेम ओके जीत जाएगी अनलस ये कंडीशन है बेसिकली द होम टीम परफॉर्मस ठीक है तभी तो भाई जीतेगी जब अच्छे से परफॉर्म करेगी क्लियर है तो ये हो जाएगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे कंडीशन हमें चाहिए और कंडीशन का जो कंजेंशन है वो आपका अनलेस है बट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एंड आपका स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए सेम इफ आपका क्या है कंडीशन का है लेकिन यहाँ पे अनलेस हमें क्या करना है उसे नेगेटिव मीनिंग देना है ओके okay? तो अनलेस यूज करेंगे अनलेस और इफ में डिफरेंस पता क्या होता है देखो जो अनलेस होता है ना इसका मतलब क्या होता है इफ नॉट इसका स्टेटमेंट मतलब होता, तो होता है आपका इफ द होम टीम इफ द होम टीम डज नॉट परफॉर्म ठीक है तो भी ये सही होता ओके और इफ और नॉट को नहीं लिखने की वजह हमने क्या कर दिया सीधे अनलेस लिख दिया तो भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है क्लियर है ओके तो बोथ वे दोनों तरीके से क्या है आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया तो ये आपको ध्यान रखना है सो तो कुछ लॉजिक्स होते हैं ओके इनका आपको यूज़ करना और ये आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत सही रहता है ओके स्टेटमेंट्स काफ़ी हमें करेक्ट मिल जाते हैं आंसर्स ओके चलो सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करो फोर्टी फाइव से सभी के पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन वन थ्री थर्टीन का आंसर करना है सभी को क्या हो जाएगा थर्टीन ही वॉज द मोस्ट हैपीएस्ट As a small child, uh, when he did not have a care in the world, what should be the answer? He was the most happiest as a small child when he did not have a care in the world. द आंसर तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो आपका, आपका है ना ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है एजेक्टिव का मोस्ट भी जो है ना ये आपका है, का. तो दो -दो कभी भी एक साथ नहीं लिखी जाती इधर यह आपका सुपरलेटिव डिग्री है इधर मोर आपका क्या कंपेरेटिव डिग्री है. है ये भी लॉजिकल है यह आपका कंपेरेटिव डिग्री हैप्पियर यह आपका सुपरलेटिव डिग्री है ये भी लॉजिकल है ओके ही वॉज हैप्पी बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब वो स्मॉल छोटा बच्चा था तो वो आपका सबसे ज्यादा खुश रहता था ठीक है हैप्पीएस्ट बहुत खुश था वो ठीक है तो फिर हमें सुपरलेटिव डिग्री तो देनी ही देनी है ठीक है हमें भाई सुपरलेटिव डिग्री देनी ही देनी है तो हैप्पी तो पॉजिटिव डिग्री हो गया तो गलत हो गया ही वॉज हैप्पी एज अ स्मॉल चाइल्ड नहीं ओके ही वॉज द हैप्पीएस्ट होना चाहिए ओके सो वो है आपका सी में सो सी विल बी द करेक्ट आंसर वर्ल्ड okay? क्लियर so है ठीक है तो मतलब बहुत सारी स्टेजेस की हम बात करें ना बच्चा थोड़ा सा एडल्ट फिर आपका जो भी स्टेजेस होंगे उनमें से जब वो स्मॉल चाइल्ड था उसमें खुश था ओके okay? तो बहुत सारे स्टेजों में से हम बात करें वाले स्टेज की जब वो छोटा था ओके स्मॉल किड ओके तो सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करेंगे अभिषेक ओके चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का फोर्टी फाइव सेकेंड से भाई सभी लोग आंसर करो एंड सेशन को शेयर कर दो सेशन को शेयर नहीं करते हैं आप लोग एंड सेशन को लाइक like भी बहुत कम से मिल रहे हैं ओके तो लाइक like करो शेयर करो ओके सेशन तो बेनिफिशियल है तभी आप लोग ज्वाइन करते हैं ओके ओके okay, तो जितना ज्यादा आप बेनिफिट ले रहे हैं उतना ज्यादा हम चाहते हैं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी प्रोवाइड करें ओके okay? तो उनको भी शेयर करो सेशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन फोर्टीन रमन अन स्टेप्ड फॉरवर्ड ओके एंड पुल्ड द रोप डाउन विद वन हैंड क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट है ठीक है जो फोरवर्ड होता है ना ये आपका गलत है फोरवर्ड मतलब होता है आपका फोरवर्ड मतलब होता है आपका वी कैन से अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक ठीक है ओके तो ये गलत है यहां पे हम डायरेक्शन की बात करें कि वो आगे बढ़ाए उसने आगे बढ़ाया ओके तो इ, इट शुड बी आपका फॉरवर्ड तो स्टेप फॉरवर्ड आएगा इन प्लेस ऑफ फॉरवर्ड ओके तो ये भी गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा फॉरवर्ड कुछ नहीं होता ठीक है ओके सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्टीन सभी लोग आंसर करें फिफ्टीन का आंसर करो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर करें सभी क्या हो जाएगा फिफ्टीन कोडिएक बियर आई थिंक ये किसी बियर का कोई टाइप है बहुत सिंपल है भाई देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये देखो मैमल की हम बात कर रहे हैं ओके ठीक है उर्सिडे उर्सिडे आई थिंक कोई फैमिली होती होगी मैमल्स की ओके तो यहाँ पे हम बेसिकली एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो आर्कटिक रीजन के तो यहाँ पे जो बियर है ना डबल ई ये पीने वाला होता है ठीक है ओके ये गलत है यहाँ पे हम भालू की हम बात हैं तो इट शुड बी ई -E ए आर ये होगा ये होगा सही ये गलत है स्पेलिंग ओके, करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया ओके